नमस्कार मित्रों, मैं कैलाश पंडित एक बार फिर आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक हमने देखा सूरदास जी के द्वारा रचित भ्रमर गीत प्रसंग से विभिन्न पदों की व्याख्या हो चुकी है। आज आठवां पद आपके समक्ष रखूंगा। हम लोग देखेंगे इसके विभिन्न पक्षों को। सबसे पहले पद के सस्वर वाचन करेंगे, इसके बाद पद के संदर्भ देखेंगे, पद के प्रसंग क्या है, पद की व्याख्या क्या है एवं इस पद के साहित्यिक सौंदर्य, साहित्यिक विशेषताएं क्या है, इन पहलू पर विस्तार से बातें करेंगे। हम लोगों ने यह देखा, यह चर्चा की और यह जानते हैं कि यह पद भ्रमर गीत प्रसंग से उद्धृत है। इसके पहले के सभी व्याख्यायित पदों में हमने देखा कि यह प्रसंग महाकवि सूरदास जी के द्वारा सूर सागर काव्य से प्रस्तुत है। भ्रमर गीत प्रसंग में भ्रमर को संबोधित कर गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती है। यह उपालंब प्रसंग भ्रमर के मौजूदगी के कारण भ्रमर गीत प्रसंग कहलाता है। अभी तक श्री कृष्ण के द्वारा मथुरा से उद्धव जी को ब्रज भेजने की कवायद ही चल रही है। कृष्ण विभिन्न भावों को उद्धव के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें ब्रज जाकर गोपियों के विरहजन पीड़ा को दूर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब हम पद का सस्वर वाचन देखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ संदर्भ एवं प्रसंग को देखेंगे, तत्पश्चात व्याख्या पर चर्चा करेंगे, अंत में इस पद की साहित्यिक विशेषता पर बात करेंगे। अब पद यह है, पद शारंग में लिखा गया है। पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनु अकुलाए। या को बिलगु बहुत हम मानियो, जो कही पठियो धाय। कहलो कीर्ति मानिए तोहरी, बड़ो किया पै प्याय। कहियो जाए नंद बाबा सो, अरुगही पकड़यो पाय। दो दुखी होन नहीं पावही, धूमरी धौरी गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत हैं, तुम बिन कछु न सुहाय। सूरदास ब्रजवासी लोगनी, भेंटत हृदय जुड़ाए। अब इस पद में आए कठिन शब्दों के शब्दार्थ एक बार देखते हैं। पथिक
यात्री, पथिक, यहाँ पथिक का अर्थ उद्धव जी से भी लगाया जा सकता है। जनी नहीं, बिलगु, बिलगु मतलब अलग, और बिलगु मतलब बुरा भी हो सकता है। धाय दासी, सेविका। कहलौ, कहाँ तक, कितना। कीर्ति, ख्याति, यश। पय, दूध। धूमरी, धुएं के रंग की। श्याम, धौरी, सफेद। पाय, पैर। विभव, ऐश्वर्य। सुहाय, अच्छा लगना। भेंटत, मिलना, भेंटना। जुड़ाए, प्रसन्न होना। अब इस पद के संदर्भ इस प्रकार हैं। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। यह पद शुक्ल जी द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में भी संकलित हैं। अब इस पद के प्रसंग इस प्रकार हैं। श्री कृष्ण किसी पथिक अर्थात उद्धव से गोपियों के पास ब्रज में अपना संदेश भेज रहे हैं। यहाँ पथिक शब्द उद्धव के लिए भी हो सकता है। इस पद में श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों के प्रति गहरी संवेदना एवं सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। अब हम इस पद की व्याख्या देखते हैं। पथिक संदेशो कहियो जाए। श्री कृष्ण पथिक से कहते हैं, हे पथिक, या हे उद्धव, ब्रज जाकर तुम मेरा संदेश कह देना। संदेशों कही हो जाए, ब्रज जाकर मेरा संदेश कहना, मेरा कुशल क्षेम कहना, मेरा शुभ समाचार ब्रजवासियों तक, गोपियों तक पहुंचाना। श्री कृष्ण कहते हैं, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनिया कुलाए। कुछ ही दिनों में हम दोनों भाई, मैं श्री कृष्ण और भाई बलराम, ब्रज आएंगे। मेरी माता यशोदा व्याकुल ना हो, दुखी ना हो। तुम जाकर यह संदेश उनको कहना। माता यशोदा को ढाढ़स देना, आश्वासन देना कि हम दोनों भाई 2 दिनों, 3 दिनों, कुछ ही दिनों में ब्रज आएंगे। व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। या को बिलगु बहुत हम मान्यो, जो कही पठियो धाय।
माता यशोदा के द्वारा देवकी को भेजे गए संदेश में खुद को धाय मानी है, खुद को सेविका मानती है, खुद को नौकरानी मान रही है। यशोदा माता कहती है, हौ तो धाय तिहारे सूत की माया करत ही रही हो। यशोदा माता अपने आप को श्री कृष्ण और बलराम के धाय मानती है, सेविका मानती है, नौकरानी मानती है। यह संदेश भी वह देवकी जी को भेजी है। श्री कृष्ण के द्वारा यह समाचार पाने पर वह कहते हैं कि इससे मुझे अपार पीड़ा हुई है कि यशोदा माता अपने आप को सेविका, नौकरानी, दासी क्यों मान रही है, जबकि उन्होंने हम दोनों भाइयों का बचपन से सेवा कर, पाल पोष कर तरुण अवस्था तक पहुंचाया है। याको बिलगु बहुत हम मानियो, इससे उनसे मैं बिल्कुल अलग मान रहा हूं। बिलगु मतलब बुरा भी हो सकता है, इसका बहुत बुरा हम मान रहे हैं। हम दोनों भाई इन बातों को बहुत बुरा मान रहे हैं कि यशोदा माता अपने आप को धाई समझती है, अपने आप को नगण और तुच्छ समझ रही है, देवकी जी को सम्मानित करने के उद्देश्य से। यहाँ व्यंजना है कि यशोदा जी के लिए धाय जैसे नगन शब्द के प्रयोग से हम दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम बहुत दुखी हैं, बहुत व्यथित हैं, बहुत बुरा लग रहा है। आप तो परम पूज्य हैं, यशोदा माता आप परम पूज्य हैं, आपके जैसे व्यक्तित्व के समक्ष धाय और सेविका जैसी नामों का उच्चारण बिल्कुल अमान्य प्रतीत होता। कहाँ लो कीर्ति मानिए तोहरी, बड़ो किया पाए प्याए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता यशोदा, आपकी कृति यश की कहाँ तक वखान करें, आपके उपकार, प्रसिद्धि, ख्याति की क्या बात करें। आपने तो बचपन से पै पियाए, दूध, पै मतलब दूध, दूध पिलाकर बड़ा किया, इस अवस्था तक पहुंचाया। जिस प्रकार से किसी बच्चे को सर्वोत्तम वस्तु जीने के लिए दूध होता है, दूध के अलावे वह कुछ और ग्रहण नहीं कर सकता है अपने जीवन यापन के लिए, उसी प्रकार से आपने तो वह बहुमूल्य वस्तु का सेवन करवाया, उस बहुमूल्य दूध का सेवन कराकर हम दोनों भाइयों को तरुण अवस्था तक पहुंचाया। आपकी उस महान कृति का कहां तक बखान करें। कहियो जाय नंद बावासो अरुगही पक रहियो पाए। हे पथिक, हे उद्धव, आप ब्रज में जाकर
नंद बाबा के पैर पकड़कर चरण स्पर्श कर कहिएगा, यहां नंद बाबा के पैर पकड़कर कहने का तात्पर्य यह है कि नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता हैं और वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे सर्वोच्च स्थान पाने के अधिकारी हैं। नंद बाबा सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनको आप वहाँ जाकर उनके पैर पकड़कर सम्मानित करिएगा और कहिएगा, दो दुखी हो न नहीं पावही धूमरी धौरी गाय, वह रंग बिरंगों की गाय, धूमर धुएं रंग की, धौरी सफेद, श्याम और सफेद दोनों गायों की देखभाल करेंगे ताकि वो दोनों गाय जो कि श्री कृष्ण के प्यारी थी दुखी ना हो पाए। यहाँ श्री कृष्ण के द्वारा पशु प्रेम को दर्शाया है सूरदास जी ने बहुत सूक्ष्मता के द्वारा। श्री कृष्ण ब्रजवासियों, गोपियों, ग्वालों, अपने सगे संबंधियों के साथ साथ उन गायों की भी सुधि ली है, उन गायों के बारे में भी अपने विचार प्रकट किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नंद बाबा से कहिए कि उन गायों का भी ख्याल रखे। आगे है, यद्यपि मथुरा विभव बहुत हैं तुम बिन कछु न सुहाय। श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर श्री कृष्ण उस ब्रज के ग्रामीण परिवेश को विशिष्ट बताते हैं और उस ग्रामीण परिवेश की महत्ता को दर्शाते हुए कहते हैं कि यद्यपि मथुरा में वैभव बहुत हैं, मथुरा में मैं राजा हूँ, तो वैभव और ऐश्वर्य की कमी नहीं है। मैं यहाँ सर्वोच्च स्थान ग्राही हूँ, परम पूज्य हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐश्वर्य और वैभव की कमी नहीं है, परंतु उस गांव ब्रज की कुछ बात ही अलग थी। वहाँ के उपवन, वहाँ के कुंज, वहाँ के वन की बात ही कुछ अलग थी। वह मेरे स्मृति से ओझल नहीं होता है, वे सारे दृश्य अभी भी मेरे मन मस्तिष्क पे उमड़ता घुमड़ता रहता है। सभी ऐश्वर्य और वैभव के होते हुए भी तुम बिन कछु न सुहाए,
हे ब्रजवासियों, आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सूरदास ब्रजवासी लोगनी भेंटत हृदय जुड़ाए। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रजवासियों से केवल मिलने पर ही ब्रजवासियों से केवल मिलने पर ही हृदय की पीड़ा और दुख की ज्वाला जड़ा जुड़ा जाती है। वहाँ के सभी जीवों से सिर्फ एक बार तादात्म्य स्थापित करने के उपरांत ही दिल आनंद से ओतप्रोत हो जाते हैं, दिल आह्लादित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज की धरती के सामने इस मथुरा की धरती कुछ कम दिखाई पड़ती। सब धन धान्य सब विभव वैभव ऐश्वर्य से समृद्ध होने के बाद भी मथुरा ब्रज की तुलना नहीं कर पा रहा। हे उद्धव, जाकर आप मेरा यह संदेश वहाँ उन ब्रजवासियों को प्रदान करें एवं उनकी दुख एवं कष्ट को दूर करें। अब हम इस पद में जो कुछ विशिष्टता साहित्यिक सौंदर्य दिखता है उसकी चर्चा आप लोग के समक्ष करता हूँ। एक में देखते हैं मातृ प्रेम की उत्कृष्ट व्यंजना की प्रधानता है। पंक्ति आवे गे हम दोनों भैया मैया जनिया कुलाए। इस पंक्ति में मातृ प्रेम की उत्कृष्ट व्यंजना की प्रधानता है। यशोदा माता को श्री कृष्ण संतावना प्रदान करवाना चाहते हैं और माता के व्याकुलता को भली भांति समझने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है पंक्ति धूमरी धौरी गाय। इस पंक्ति में श्री कृष्ण का पशु के प्रति प्रेम की व्यंजना हुई है। इसके पहले आए सभी पदों में ब्रजवासियों में गोपियाँ ग्वाल और श्री कृष्ण के परिजन सभी की चर्चा है पर गायों की चर्चा नहीं है और इस पद में उस गायों की चर्चा की गई है जिनके बीच श्री कृष्ण रहा करते थे, जिनके दूध को सेवन कर श्री कृष्ण भाव विभोर और आनंदित होते थे, उसकी चर्चा यहाँ की गई है, इसलिए पशु प्रेम की व्यंजना हुई है। ग्रामीण जीवन की उत्कृष्टता प्रदर्शित हुई है। मथुरा में सर्व संपन्न विलासिता जीवन होने के बावजूद श्री कृष्ण मथुरा से ब्रज जाना चाहते हैं, ब्रज के
कुंजों में, उपवन में निवास करना चाहते हैं, अर्थात ग्रामीण परिवेश की यहाँ पे उत्कृष्टता दिखती है। नंद के प्रति पूज्य भावना का संकेत हुआ है। आगे यह पद ब्रज भाषा एवं राग शारंग में है, यह भी एक विशेषता है। और सबसे अंत में आए शब्द जुड़ाए, जुड़ाए में रूढ़ी लक्षणा है। लक्षणा शब्द शक्ति के कारण जब किसी वाक्य में मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए तो वहाँ लक्षण शब्द शक्ति होता है। लक्षण के कारण जो अर्थ प्रस्तुत हो वह लक्षण शक्ति है। लक्षण शब्द शक्ति दो प्रकार के, रूढ़ी लक्षण और प्रयोजनवती लक्षण। तो यहाँ जो है जुड़ाई में रूढ़ी लक्षण है। जुड़ाए, जुड़ा जाना, इस शब्द का लक्षणार्थ अलग है। रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर उससे संबंध रखने वाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए। जब किसी शब्द का अर्थ रूढ़ हो जाता है और उसी रूढ़ अर्थ को लेकर मुख्यार्थ को छोड़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ रूढ़ी लक्षणा होता है।